अमरोहा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी व सांसद कंवर सिंह तंवर के पक्ष में अमरोहा लोकसभा के नौगावा सादात पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश फिर एक बार नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहता है, जो देश को मेक इंडिया के तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम तो करेंगे ही, साथ ही साथ देश में पल रहे उन भ्रष्टाचारियों का खात्मा करेंगे जो देश को अंदर से खोखला करने में लगे हैं। वहीं जनसभा में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की जीत की हुंकार भी भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भारत। ये देश जो है वो परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में भ्रष्टाचार और बेईमानों का जो बंटाधार किया गया है, देश की तरक्की और देश के गरीबों का जो उद्धार किया गया है, उसके लिए ये वोट है। और ये वोट जो है वो देश के सम्मान और स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के गारंटी के रूप में। आज जो है वो एक बहुत ही डर्टी गाली गैंग वो बहुत सक्रिय है, उत्तर प्रदेश से लेकर के और कश्मीर तक ये डर्टी गाली गैंग चुन चुन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा था। अब मोदी जी को गाली देते देते ही देश के सुरक्षा बलों और सेना के शौर्य पराक्रम को गाली देने लगा मंत्री जी, और इस गाली देने की होड़ में इस धरती कहेंगे कि लोगों को जितना वो चुन चुन करके हमारे सुरक्षा बलों को देश के सुरक्षा को गाली दे रहे हैं, उतना ही चुन चुन करके लोगों को ऐसी ताकतों के मंसूबों को परास्त करना है, शिकस्त देना है। जो है हंगामा हुआ है, काफी बवाल हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी हताश आत्माएं हैं, निराश आत्माएं हैं, जो चुनावों से पहले हार को समझ चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके पाप का घड़ा, और जिस पार्टी का और जिन लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है वो इसी तरह से बहकते हैं, उसी तरह से बेच के बात करते हैं। इसलिए ये जो बेहुदा और बेईमान पार्टियां और पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह की चीजें कर करके अपने आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं। लेकिन इस बात समझ लेना चाहिए, इन जो बेचैन आत्माएं हैं, इनका बंटाधार देश की जनता। विपक्ष वालों ने एक ऑडियो जारी किया है नोटबंदी के ऊपर, वो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि पहले नोटबंदी पे बवाल, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, फिर जो है वो अभी आतंकवादियों के मारे जाने पर सबूत। तो ये सवाल, बवाल, सबूत, इसके पीछे की मकसद और मंशा बहुत है और एक है, बहुत साफ है कि बेईमानों और बेईमानों की मंडली को बचाओ, और जो बेईमानों का खात्मा कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो बेहुदा बातें। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं बघेल, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अंग्रेजों की पहले आपके मुखबिर थी और अंग्रेजों को जो है वो लोग अंग्रेजों को मुखबिर करने का काम करते थे बीजेपी के लोग। ऐसा नहीं, ये जो बेहुदा बयान बहादुर हैं, इन पर हम हर दिन बयान दे तो क्या फायदा, इन बेहुदा बयान बहादुरों का बंटाधार खुद ही जनता करेगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।